डॉक्टर अशफाक को चेयरमैन एफबीआर तैनात कर दिया गया है। आसिम अहमद खान को चेयरमैन एफबीआर के ओहदे से हटा दिया गया है, यह खबर है जो आपको बता रहे हैं। डॉक्टर अशफाक को चेयरमैन एफबीआर तैनात कर दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं हसन रजाउन, से मजीद जानते हैं। जी हसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाक से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक आसिम अहमद को चेयरमैन एफबीआर के ओहदे से हटा दिया गया है और डॉक्टर अशफाक को नए चेयरमैन एफबीआर की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसके हवाले से बकायदा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से कमांड जारी कर दिए गए हैं और कुछ ही देर बाद बकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। इसके हवाले से वफाक में जो सीनियर अहदेदार हैं, वफाकी अहदेदार, उनकी जानिब से रब्ता किया गया तो उन्होंने भी इस हवाले से तस्दीक करते हुए कहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से जो है डॉक्टर अशफाक को एफबीआर से मुतलिक मजीद जो है अहम टास्क सौंपे गए हैं। इनको लोगों दरामद कराने के लिए जो है वो हर मुमकिन इकदाम करेंगे और जो वफाकी वजीर खजाना है उनसे मिलकर भी मामला को मजीद बेहतर बनाने के लिए इकदाम करेंगे। इससे पहले भी एक मुलाकात हो चुकी है डॉक्टर अशफाक से वफाकी वजीर खजाना से और एफबीआर के मामला जेरे हो रहे, जबकि आसिम अहमद को अब जो है वो वफाकी जाने से मिलने वाली मालूम के मुताबिक इनको हटा दिया गया है और डॉक्टर अशफाक जो है नए चेयरमैन एफबीआर तैनात किए गए हैं। ठीक है हसन, आपका बहुत शुक्रिया।